आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका करेगी श्रीलंका का सामना। जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूँ आपके साथ सुदीप राजपूत। अगर बात की जाए कि आज के दिन का दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेला जाएगा। अफ्रीका टीम इस बार सभी को बड़े उलटफेर की उम्मीद है, यानी कि सबको ये लग रहा कि इस बार वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका कुछ बड़ा उलटफेर करने वाली है। वहीं श्रीलंका की टीम अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेलने मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच वनडे में एक दूसरे के खिलाफ आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 80 वनडे मैचों में 45 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि 33 मैच श्रीलंका की टीम ने अपने नाम किए हैं। वहीं वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 बार मुकाबला हुआ, यानी कि दोनों टीम 6 बार आमना सामना कर चुकी हैं एक दूसरे का, जिसमें 4 बार अफ्रीका टीम ने जीत हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में जो मैच चल रहा है वो वाकई में बड़ा दिलचस्प रहा। कल जिस तरीके से नीदरलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें एक समय ये भी लगा कि नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान को 200 के अंदर समेट देगा। जिस तरीके से पहले पावर प्ले में, यानी कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान अपने 3 खिलाड़ियों को गंवा दिए। हम चाहे बाबर आजम बात कर लें, जो उनके कप्तान हैं, लोगों काफ़ी उनसे उम्मीद में थी, लेकिन वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। लेकिन जिस तरीके से कल नीदरलैंड के जो ऑलराउंडर हैं बास द लीड ने वाकई में भाई साहब गजब कमाल किया। पहले गेंदबाजी में अपना कहर भर पाया, फिर बल्लेबाजी में। वो अलग बात है कि नीदरलैंड को जीत नहीं मिली इसमें, क्योंकि नीदरलैंड को ये माना जा रहा था कि 2012 के बाद 2023 में वो वर्ल्ड कप खेलने उतरी है, और बड़ी मुश्किलों के बाद यानी कि खुद को क्वालिफाई उनको करना पड़ा। लेकिन जो उनका टीम था, जो टीम संयोजन था, जो टीम की एकजुटता थी, वो देखने में काफ़ी दिलचस्प लगी। अगर बात की जाए जो आज का मैच होने वाला है कि दिल्ली में ये मैच होगा और उस पिच का मिजाज कैसा रहेगा। जी हाँ, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पिच का मिजाज बल्लेबाजों के लिए मुफीद माना जा सकता है। ऐसे में छोटी बाउंड्री होने की वजह से बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इस पिच पर खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ की पिच पर अब तक पहली पारी का औसत 230 रनों के करीब रहा है, यानी कि जो पहली पारी है वो लगभग 230, या आप ये भी कह सकते हैं 230 से 240 करीब रहा वो। वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने लगभग 60% मैच अपने नाम किए हैं, और आज जो टीम टॉस जीतेगी इस आंकड़ों के हिसाब से वो यही चाहेगी कि पहले हम भैया गेंदबाजी कर लें और हम आराम से टारगेट को, जो मिले टारगेट उसका पीछा करें, जिससे जो आंकड़े दर्ज हैं उसमें हम शामिल हों और वो जीत अपने नाम करें। अगर बात की जाए इन दोनों टीमों के बीच वनडे में आखिरी भिड़ंत 7 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसमें श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को 78 रनों से बांध दी थी। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका प्रतियोगिता के तीसरे दिन अपने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 अभियान की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से ये मैच शुरू होगा। और आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका को अपने अभ्यास मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ खेला नहीं। पहला गेम बारिश की भेंट चढ़ गया, जबकि दूसरा गेम हार के साथ समाप्त हुआ। लेकिन फिर भी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका के पास एक मजबूत लाइनअप है, और वह प्रतियोगिता में अपने लिए एक अच्छी स्थिति यानी कि सुरक्षित कर सकती है या करना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के अभ्यास मैच में औसत से कम प्रदर्शन के बाद भी प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ अपने दोनों मैच में श्रीलंका ने दोनों टीमों के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एशिया कप 2023 में श्रीलंका का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, श्रीलंका ने फाइनल भी खेला, लेकिन फिर भी वो भारत से फाइनल हार गए। इसलिए इस आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अच्छा अभियान चलाने के लिए श्रीलंका के पास खुद को साबित करने के बहुत सारे अवसर होंगे। जिस तरीके से बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की टीम है, उनके जो कप्तान टिम्बा बाबुआ हैं, रिजा हैंड्रिक्स हो गए, या क्विंटन डिका की बात कर लें, एडन मार्कम बात कर लें, हेनरी क्लासन की बात कर लें, तो जो टीम है दक्षिण अफ्रीका की वाकई में बहुत लाजवाब है। जिस तरीके से क्विंटन डिका तो आईपीएल भी खेलते हैं, वो दिल्ली के पिच से काफ़ी वाजिब होंगे। वैसे तो एडन मार्कम को बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब उनको एक हाथ में कप्तान ने भरोसा जताया, उनके हाथ में कप्तान ने गेंद थमाई, तो उस मौके पर बिल्कुल खड़े उतरे वो। अगर बात की जाए हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, यानी कि डेविड मिलर अगर अपना कह रहा कि मैच में भर पाते हैं, छोटी बाउंड्री को फ़ायदा उठाते हैं, तो स्कोर बड़ा लंबा देखने मिलेगा। और उनके पास जो सबसे आप ये कह सकते हैं प्लस पॉइंट, मार्को यानसन, केशव महाराज, कसिगो रबाडा,
तो यानी कि आप ये कह सकते हैं पूरी संयुक्त टीम बड़ी अच्छी है साउथ अफ्रीका की। अगर टॉस जीतती है तो वो हो सकता है पहले गेंदबाजी करने का फैसला करें, जिस तरीके से उनके पास गेंदबाज, चाहे हम कसिगो रबाडा की बात कर लें या लुंगी एंगिडी की बात कर लें तो या केशव महाराज की बात कर लें, सबके रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, इंडिया में लोग खेलते भी हैं और आईपीएल भी लोग खेलते हैं। चाहे लुंगी एंगिडी की बात करें, चाहे कसिगो रबाडा की बात करें, कसिगो रबाडा और लुंगी एंगिडी इनके मेन जो पेस बॉलर हैं, इनके अंदर काफ़ी क्षमता है और काफ़ी विकेट भी इन्होंने चटकाया इंडिया में। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो जिस तरीके से पथुम निशंका, कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा, ये तीनों बल्लेबाज ऐसे रहे जो कि पूरे एशिया कप में इनका बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। अगर वहीं बात की जाए चरिता श्रीलंका, तो चरिता श्रीलंका भी काफ़ी अपने आप में दमखम रखते हैं, अपने गेंदबाजी से भी, अपने बैटिंग से भी। अगर बात की जाए धनंजय डिसिल्वा, इनके पास एक प्लस पॉइंट है क्योंकि धनंजय डिसिल्वा जो हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, यानी कि बैटिंग करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। दसुन सनाका इनके जो कप्तान हैं वो लास्ट में आते हैं लगभग 6 से 7 नंबर पर, लेकिन वो एक पारी को, जो उनकी पारी होती है, उसको तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक उसमें वो सफल भी होते हैं। दुश्मन थेमंता, लहरू कुमारा, मतीश पथिराना एक ऐसा बॉलर जो लगभग अभी उनके 20-21 साल की एज है और चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, तो इंडिया की पिच से काफ़ी वाकिफ हो भी होंगे। मतीश पथिराना ने दिखाया भी था एशिया कप में कि उनके अंदर कितना दमखम है। दुशान हेमंता ने भी दिखाया और लहरू कुमारा की वापसी हुई, यानी कि लहरू कुमारा एक, आप ये कह सकते हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। लेकिन जो एक 20 साल का लड़का हम बात कर रहे हैं, दुनित भेलाल आगे की, आपने देखा होगा भारत के खिलाफ उस 20 साल के लड़के ने 5 विकेट चटकाए थे, उसमें रोहित भी थे, विराट कोहली भी थे, यानी कि जिस तरीके से उसने 5 विकेट को लिया, पंजा खोला, सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज भी बने थे श्रीलंका की तरफ से। तो जो दोनों टीम है, दोनों टीम में जो इनका बॉलिंग लाइनअप चाहे बात कर लें, चाहे बैटिंग लाइनअप की बात कर लें, अच्छा है, यानी कि मुकाबला अच्छा होने वाला है। आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिए, आपको पूरे वर्ल्ड कप की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।